हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक्स रिलेटेड टू द फाइंडिंग द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रैंक को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उसको पहले इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आपको पता चलता है ये रैंक एक्चुअली है क्या गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ यहाँ पर आया हूँ, जिससे कि आप इजिली रैंक फाइंड आउट करने में कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको इजीली उसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाए कि रैंक की वैल्यू है क्या। ठीक है, तो रैंक का शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि बेसिक डिफरेंस डेफिनेशन क्या होता है रैंक का। रैंक किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है विच इंडिपेंडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन। आज मैं बात करने वाला शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली बहुत ही सिंपल है, अगर आपको स्टेप वाइज अगर आपको माइंड फिट हो गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रैंक क्या होगा गिवन मैट्रिक्स का। वो 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है, 4x3, किसी भी डायमेंशन के मैट्रिक्स में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस आज के वीडियो के लिए मैंने 3x3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो कि मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए पहले मैं दो केसेस आपको बताऊंगा। एक है डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, एक है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो पहला केस हम शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज किया मैंने 3x3 मैट्रिक्स मेरे को गिवन है। अब पहला केस क्या है कि पहले जो गिवन मैट्रिक्स है आपको चेकआउट करिए कि उसका डिटरमिनेंट क्या है। अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं खत्म, क्योंकि उस गिवन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो गिवन डायमेंशन की कॉलोगा, यानी कि मेरे केस में क्या है 3x3, यानी कि रैंक क्या होने वाला है 3। आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं खत्म। सेकेंड केस, अगर आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, पहले केस में क्या आपको ध्यान रखना है, अगर आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं होता है उस केस में आपका रैंक कितना हो जाएगा, द गिवन नंबर ऑफ डायमेंशन, यानी कि इस केस में क्या है 3। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि अगर आपका गिवन मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है इक्वल टू जीरो आ जाता है, ठीक है, उस केस में आपको करना क्या है, आपको उस मैट्रिक्स के माइनस को चेकआउट करना है। ठीक है, अगर आपका कोई भी माइनस का जो डिटरमिनेंट है अगर वो जीरो हो जाता है, यानी कि जितने भी माइनस हैं अगर सारे में से कोई एक भी जीरो नहीं होता है, तो उस केस में आपका रैंक कितना आएगा 2, यानी कि गिवन डायमेंशन से एक कम। ठीक है, अगर आपके सारे ही माइनस इक्वल टू जीरो आते हैं, इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ द माइनस, अगर ऑल द माइनस के डिटरमिनेंट जीरो आते हैं उस केस में आपको क्या, उस केस में जो रैंक होगा आपको कितना होगा 2 कम। अगर जैसे मेरे केस में क्या है 3 है, डायमेंशन क्या है गिवन मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का 3, तो मेरे केस में क्या होगा अगर ऑल द माइनस इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा 2 कम, यानी कि 1। तो आप इस तरह से इजीली रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सो फ्रेंड्स चलिए अब चेकआउट करते हैं एक एग्जाम्पल। गिवन मैट्रिक्स मेरे पास ए 0 1 2 1 2 1 2 7 8, जो कि एक 3x3 मैट्रिक्स, जैसे कि आपको पहले से मैंने बता कर रखा कि मैंने फॉर एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेप मैंने बताया था कि आपको पहले चेकआउट करना है गिवन मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को। तो मैंने चेकआउट किया और फाइंड आउट किया कि डिटरमिनेंट तो मेरा आ गया 0, यानी केस सेकेंड। मैंने पहला केस इसलिए कंसिडर नहीं किया, पहला केस बहुत ही आसान है, डिटरमिनेंट अगर आपका 0 नहीं आता है तो आपका रैंक जो आने वाला वो कितना आने वाला, नंबर ऑफ डायमेंशन इक्वल यानी कि 3। ठीक, मैंने केस सेकंड को कंसीडर किया है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे रैंक लग गया, सॉरी मेरा डिटरमिनेंट आ गया वो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो मेरा रैंक है वो 3 तो नहीं होने वाला है। तो होने क्या वाला है उस केस में, हम देखने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस केस में आपको माइनस चेकआउट करना है। तो मैंने पहला माइनस चेकआउट किया। ठीक है, जो मैंने पहला माइनस चेकआउट किया है वो है ये,
जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, ये रहा मेरा पहला माइनर। ऐसे आप कोई माइनर चेकआउट कर सकते हैं, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं पहले, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से आप कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं लास्ट वाला कंसिडर कर रहा हूँ, फाइन। तो मैंने लास्ट वाला कंसिडर किया। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मैंने किस सेकंड बताया क्या था। किस सेकंड मैंने ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रब कर दी। किस सेकंड मैंने ये बताया था आपको कि आपको ध्यान देना है कि जो माइनर्स हैं अगर सारे के सारे जीरो हो गए तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपका रैंक कितना आएगा, 2 माइनस नंबर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो कि 1 होगा, ठीक है। इस केस में अगर कोई एक भी माइनर का डिटरमिनेंट अगर वो जीरो नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, आपका रैंक वो हो जाएगा 1 कम, यानी कि 3 है डायमेंशन गिवन मैट्रिक्स का, तो रैंक कितना होगा आपका, 2। तो जैसे ही मैंने चेकआउट किया जो गिवन मैट्रिक्स है, तो जैसे ही मैंने चेकआउट किया तो फाइंड आउट किया मैंने कि यहाँ पे जो मेरा डिटरमिनेंट आ रहा है, जो कि माइनर मैंने सेलेक्ट किया था, उसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 9 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इन दैट केस मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर कोई एक भी माइनर का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, उस केस में जो रैंक आपका कितना होगा, n माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स माइनस 1, जो कि इस केस में क्या होगा, 2, ठीक है। दैट्स द रीजन व्हाई जो मेरा यहाँ पे रैंक आया है वो कितना आया है, 2, ठीक है। अगर इस केस में सारे के सारे ऑल, अगर ऑल मेरे माइनर्स इक्वल टू 0 आ जाते हैं, यानी इक्वल टू 0 मतलब डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, तो जो मेरा रैंक होता है कितना आता, मेरा वो आता 1, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, एंड इससे आपको रैंक फाइंड आउट करने बहुत ही आसानी होगा और आप इजीली, टाइम कंज्यूम कर ज़्यादा नहीं होगा इसमें, और आप इजीली रैंक के आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।